नमस्ते बच्चों, हमेशा प्रसन्न रहो। मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको हिंदी नाटक के विकास क्रम के बारे में समझा रही हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतेंदु युगीन नाटकों के बारे में बताया था, इस और साथ में प्रसाद युगीन नाटक मैंने समझाए थे इसके पहले वाले वीडियो में। और आज मैं इसी क्रम में आपको प्रसादोत्तर युग के नाटकों के बारे में समझाऊंगी। प्रसाद के बाद के नाटकों का प्रारंभ सन 1950 से ही माना जा सकता है, क्योंकि इस काल के बाद के जो नाटक थे उनके जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए हैं और उनमें रंगमंचीयता और अभिनेता का विशेष ध्यान रखा गया है। क्योंकि इसके पहले के जो नाटक थे, जैसे भारतेंदु युगीन नाटक थे, उनमें उपदेशात्मकता अधिक थी और रंगमंच की दृष्टि से वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माने जा सकते थे। प्रसाद के युगीन नाटक जो थे वो ऐतिहासिक थे, अधिकांश जो उनमें रुचि थी नाटककारों की वो इतिहास के कथा की ओर थी। और ये जो नाटक हैं प्रसाद के बाद के, जो कि 1950 के उनका समय माना जाता है, इन नाटकों में ये नाटक फिर भी उन दोनों समय की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा श्रेष्ठ थे। क्योंकि इन नाटकों में जो था वो अभिनेता की दृष्टि से और रंगमंचीयता की दृष्टि से श्रेष्ठ थे। इनमें इसका विशेष ध्यान रखा गया था कि नाटक इस तरह के हों कि जिनका मंचन हो सके रंगमंच पर। हालांकि इस काल में नाटकों की विषय वस्तु का चयन जो है इतिहास पुराण के साथ साथ सामाजिक जीवन से किया गया था, फिर भी जो विषय वस्तु और शिल्प में जो बदलाव नज़र आया वो काफ़ी जटिल था। और नाटकों में जो प्रस्तुत किया गया वो अंतर्द्वंद चित्रण की भी प्रमुखता इसमें थी कि जो नाटक थे उनमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि मंचन के योग्य हों, और साथ में उनमें जो नाटक थे उनमें एक अंतर्द्वंद जो था उसका भी चित्रण इनमें देखने को मिलता है। प्रसाद उत्तर नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, गोविंद चातक, जयनाथ नलिन, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, इनके आदि के नाम लिए जा सकते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने अपने नाटकों में आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव और जीवन संघर्ष को बहुत ही सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। इनके लिखे प्रसिद्ध नाटक हैं डॉक्टर, जो कि उन्होंने 1958 में लिखा, युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश, ये इनके नाटक हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। युगे युगे परिवेश क्रांति में पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति है कि किस तरह से पीढ़ियां जो हैं आपस में टकराती हैं। टूटते परिवेश जो इनका नाटक है इसमें पारिवारिक विघटन की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने बताया है कि किस तरह से परिवार जो है वो टूटते हैं, किस तरह से उनका विघटन हो रहा है, और बिल्कुल यथार्थ रूप में उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। इनका जो डॉक्टर है नाटक, ये एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। इसमें भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को चित्रित किया गया है कि नाटक डॉक्टर का जो डॉक्टर नाम का जो नाटक है इसमें भावना और अंतर्द्वंद है ना, भावना और कर्तव्य का जो अंतर्द्वंद है इन दोनों का आपस में द्वंद है वो उनको बखूबी इन्होंने इसमें चित्रित किया है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा ही दी। इन्होंने प्रयास किया कि रंगमंच को, हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा दी जाए। इनके बहुचर्चित नाटकों में अपन नाम लें तो वो हैं कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश जी आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। हालांकि इन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की, फिर नाटकों की संख्या कम होने के बावजूद भी ये नाटक अपने हिंदी साहित्य जगत में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके नाटकों के नाम हैं आषाढ़ का एक दिन,
जो 1958 में लिखा गया, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में लिखा गया, और आधे अधूरे ये है और ये 1969 में लिखा गया। इससे पहले नाटकों में महाकवि कालिदास के प्रेम को नाटक की विषय वस्तु बनाया गया, जबकि लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा का महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुति की गई है। इस नाटक में चित्रित नंद का व्यक्तित्व आधुनिक भावबोध के से युक्त संचयशील मानव का प्रतीक है, जो अनिर्णय की स्थिति में रहने के लिए विवश है। आधे अधूरे मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। नायक महेंद्रनाथ अपने अधूरेपन को भरने के लिए विवाह करता है, परंतु नायिका सावित्री जिस पूर्ण पुरुष की तलाश में है वह महेंद्रनाथ में नहीं खोज पाती है। वह जिन चार पुरुषों के संपर्क में आती है सबको अधूरा ही पाती है और अंततः सोचने को बाध्य हो जाती है कि सबके सब एक से हैं। तो इनका ये आधे अधूरे बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश के जो नाटक हैं उनमें शिल्प बहुत बेजोड़ है। रंगमंच की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पूर्ण सफल नाटक हैं। जो इनके नाटक हैं ये तीनों ही सफल नाटक हैं और इनका मंचन जो है बहुत ही बखूबी हो सकता है। संवाद, भाषा और प्रस्तुतिकरण, दृश्य संकेत, रंग निर्देश, छाया, प्रकाश आदि सभी दृष्टियों से ये रंगमंच पर सफलतापूर्वक इनका अभिनय किया जा सकता है। मंचन के योग्य ये नाटक माने गए हैं। लक्ष्मी नारायण लाल एक बहुचर्चित नाटककार हैं। इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है इस युग के नाटककारों में। इनके नाटक हैं अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत तथा एक सत्य, हरिश्चंद्र और सगुन पक्षी। इनके प्रसिद्ध ये नाटक हैं और इनका मंचन भी संभव हो सका है। ये नाटक पूंजीवादी और भ्रष्टाचार के ऊपर है कि किस तरह से पूंजीवाद और भ्रष्टाचार ने एक इंसान को घेरा हुआ है। धर्मवीर भारती का अंधा युग आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत करने वाला गीति नाटक है। ये नाटक जो है अंधा युग बहुत ही इनका प्रसिद्ध नाटक है और इनका कई जगह पर कई बार मंचन हुआ है। ये गीति नाट्य है और अपने तरह का अलग ही नाटक है। इसमें व्यक्ति की के संघर्ष को नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष भी इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो एक व्यक्ति है वो किन किन संघर्षों को किस तरह से झेलता है। अंधा युग एक सशक्त कृति है इनकी और इसमें महाभारत के पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग के संतरास, तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद, आवेश और अभिशप्त जीवन को अभिव्यक्त किया गया है। कि जो कथा है इसकी पुरानी है, पौराणिक है, महाभारत की कथा है और उसके माध्यम से उन्होंने एक अपने जो इस समय के मानव की जो स्थितियां हैं, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो घुटन है, उन सब को उसमें चित्रित किया है। प्रसादोत्तर काल के कुछ अन्य नाटककार हैं और उनकी जो कृतियां हैं उनकी भी मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी। उनका भी वो हैं जैसे सुरेंद्र वर्मा, ये भी बहुत अच्छे नाटककार हैं और इन्होंने भी बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं। इनके नाटक हैं सेतु बंध, द्रौपदी, नायक खलनायक, विदूषक और आठवां सर्ग। ये इनका आठवां सर्ग जो है ये भी नाटक बहुत मशहूर है इनका। और दूसरे नाटककार हैं डॉक्टर शंकर शेष, ये इन्होंने भी बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं और इनका एक और द्रोणाचार्य नाटक बहुत प्रसिद्ध है। रमेश बख्शी इनके नाटक हैं देवयानी का कहना है और तीसरा हाथी। हमीदुल्ला, इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो हैं समय संदर्भ, उलझी आकृतियां और दरिंदे। मणि मधुकर भी एक प्रसिद्ध नाटककार हैं और इनका जो प्रसिद्ध नाटक है वो है रस गंधर्व। मुद्रा राक्षस, इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो इस प्रकार हैं तिल चिट्टा, तेंदुआ, मरजीवा, योर्स, केतफुली।
मरजीवा तेंदुआ मरजीवा और योर्स फेथफुली। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी एक नाटककार हैं और बहुत अच्छे नाटकों की रचना इन्होंने की है। इनका एक नाटक है बकरी और गरीबी हटाओ। बकरी तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है और पूछा जाता है। इनका ये बकरी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। लक्ष्मीकांत वर्मा इनके नाटक हैं रोशनी एक नहीं है और अपना अपना जूता। ज्ञानदेव इन्होंने भी नाटक लिखे और इनके जो नाटक हैं वो हैं नेफा की एक शाम और शुतुरमुर्ग। भीष्म साहनी ने भी बहुत सारे नाटक लिखे हैं और इनका एक प्रसिद्ध नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। तो बच्चों ये तो थे हमारे 60 इसके प्रसादोत्तर हिंदी नाटक और 50 के बाद के जो इनमें जो 60-उत्तरी कुछ नाटक हैं वो 60 के बाद के जैसे जो नाटक लिखे गए वो काल भी अलग बिल्कुल अपने नाटकों की दृष्टि से अलग काल है और इसमें भी वही विषय हैं जैसे कि 60-उत्तरी नाटक में जीवन में अकेलापन रिक्तता बोध मानवीय संबंधों की जड़ता को अभिव्यक्ति देने वाले विषयों से संबंधित नाटक इनमें लिखे गए हैं। ये नाट्य साहित्य भी आधुनिक बोध की भूमिका पर लिखे गए हैं और भले ही पौराणिक कथा इनमें हो लेकिन फिर भी कथानक का चुनाव जो है वो आधुनिक परिवेश में ही किया गया है और स्त्री पुरुष के बदलते हुए संबंधों व्यक्तियों की खिन्न मनोदशा अकेलेपन की पीड़ा आदि नाटकों में इन विषय रही है और नाटक इन विषयों पर ये नाटक लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि हिंदी नाटक के विकास क्रम को कि किस तरह से हिंदी नाटक का जो है विकास हुआ है। उसमें सबसे पहले भारतेंदु योगी इनके नाटक हैं उपदेशात्मक थे और सामाजिक भी थे लेकिन बहुत ज़्यादा मंचन की दृष्टि से वो नहीं माने जाते थे और श्रेष्ठ। और उसके बाद प्रसाद योगी नाटक थे जो कि ऐतिहासिक थे। उनकी कथा ज़्यादातर इतिहास से संबंधित थी, ज़्यादा ध्यान नाटककारों का उस पर था और लेकिन वो आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में थी। और उसके बाद आया प्रसादोत्तर नाटक जो कि 1950 के बाद के नाटक माने जाते हैं और उनमें जो विषय बदल गए और ज़्यादा वो मंचन की दृष्टि से लिखे गए, मतलब उनका विशेष ध्यान रखा गया कि मंचन उनका हो सके। तो मंचन की बात को लेते हुए और विषय को देखें तो इन सब की दृष्टि से ये नाटक बहुत ही श्रेष्ठ नाटक हैं प्रसादोत्तर युग के। और फिर 60-उत्तरी नाटक हुए और सबके इनके ये विषय रहे कि पर इनका विषय जो थे वो तत्कालीन समाज की समस्याओं से संबंधित थे। तो बच्चों ये जो सेशन था ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से था और मुझे विश्वास है कि प्रसाद के नाटक और ये हिंदी नाटकों का विकास क्रम आपको समझ में आया होगा। यदि कोई आपकी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगी। नमस्ते बच्चों।